Good morning, students. I hope you are all fine. So now start your computer classes. Chapter 2nd. First chapter is completed. Second chapter, formulas and function in MS Excel. MS Excel is a part of MS Office, Microsoft Office. So MS Excel, that the separate name is a spreadsheet also. In your mathematics class you must have to use to formula in perform some calculation. मतलब आप लोग अपने मैथ के क्लासेस में आप लोग फार्मूला यूज करके कोई भी कैलकुलेशन आप करते हो तो एक्सेल टू प्रोवाइड्स अस टू कैपेबिलिटी टू क्रिएट आवर ओन फार्मूला ड्यूरिंग कैलकुलेशन इन वर्कशीट. मतलब एक्सेल हमें क्या देता है, एक आपको जो है अपना खुद का फार्मूला क्रिएट करने के लिए जो है प्रोवाइड करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप क्या कर सको, वर्कशीट पे अपना खुद का फार्मूला क्रिएट कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. टेबल क्या होता है, सेल क्या होता है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेबल, मींस सेट ऑफ रो एंड कॉलम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, दैट्स कॉल्ड द टेबल. मतलब जहाँ पे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, जहाँ पे इकट्ठे हो, उसको क्या बोला जाए, टेबल बोला जाता है. सेल क्या होता है, द इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम, दैट्स कॉल्ड द सेल. मतलब जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट, अ फार्मूला कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू. मतलब फार्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, वैल्यूज का. नंबर ऑफ सेल रेफरेंस, नंबर्स और सेल रेफरेंसेस, मतलब या तो नंबर्स हो सकते हैं उसमें या तो सेल रेफरेंस होता है. एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर मीन्स जो प्लस माइनस डिवीजन और इनटू का जो सिंबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं. इनटू एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल फिगर 2.1, यू कैन सी द फार्मूला इन अ सेल. क्लियर? सेल A3 विच एड अप द वैल्यू ऑफ सेल A1 एंड A2. तो A1 वेयर A1 एंड A2 क्या है आपका, सेल रेफरेंस है. इसको क्या बोलेंगे हम, सेल एड्रेस. सेल रेफरेंस एंड सेल एड्रेस, दैट द सेम. तो सेल एड्रेस आपका क्या है यहाँ पे, A1 एंड A2. इन दोनों को जो है क्या करना है, हमको ऐड करना है किसमें, तो A3 में. तो फार्मूला हमारा क्या होगा, A3 में हमने फार्मूला लगाया इक्वल टू A1 प्लस A2. तो ये हमने अपना खुद का फार्मूला यहाँ पे जनरेट किया. A1 सेल एड्रेस को ऐड करते हैं. हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी फार्मूला लगाएंगे हम किस पे लगाएंगे, सेल एड्रेस पे. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इंटरिंग अ फार्मूला, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इंटरिंग अ फार्मूला, हाउ टू इंटर अ फार्मूला, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट पॉइंट है, सेलेक्ट द सेल वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ फार्मूला. पहले उस सेल को सेलेक्ट करिए जहाँ पर आप फार्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं. टू लेट एक्सेल नो डैट यू वॉन्ट टू इंटर अ फार्मूला, टाइप एंड इक्वल साइंस. जब भी आप एक्सेल में कोई फार्मूला इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वहाँ पर इक्वल का जो साइन है उसको लगाना है, देन आफ्टर उसके बाद हमको फार्मूला इंटर करना है. क्लियर स्टूडेंट? तो टाइप ऑफ फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड प्रेस इंटर बटन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट, अल्टरनेटली यू मे ऑल्सो टाइप द फार्मूला इन द फार्मूला. और आप एक और आप काम कर सकते हैं इसमें, सेल के जगह पे आप जो है डायरेक्ट फार्मूला बार में भी आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले को इंटर कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट पेज, थर्ड पॉइंट, चेंज द वैल्यू ऑफ अ सेल A1 टू 10. मीन्स हम लोग सेल का कोई वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. यू विल सी द समेशन एंड A1 एंड A2 इन अ सेल ऑफ A3 चेंज अकॉर्डिंगली, फिगर 2.3. अगर हम इसको देखें तो ऑटो रिकैलकुलेशन विथ फार्मूला, हम उस वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा और हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा.
क्लियर स्टूडेंट? तो एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल A3। तो जो हमने फार्मूला A3 में इंसर्ट किया था वो अपने आप क्या करेगा, अगर सेल A1 का अगर मैंने वैल्यू चेंज किया तो वो अपने आप क्या करेगा, रिकैलकुलेट कर लेगा, फिर से उसको अपडेट कर लेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला। तो अब टेक्स्ट का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, टू क्रिएट अ टेक्स्ट फार्मूला यू नीड टू यूज़ द टेक्स्ट कैलकुलेशन ऑपरेटर। मीन्स ऑपरेटर्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये एंड ऑपरेटर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका यूज हमको करना होता है किसमें, टेक्स्ट फार्मूला में। दिस ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइन टू टेक्स्ट। इस ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, जो एंड ऑपरेटर होता है इसको क्या बोलते हैं, दो टेक्स्ट को ऐड करता है, विच इज टेक्निकली कॉल्ड कॉन्कटेशन। मतलब कॉन्कटेशन जो ऐप, उसको हम बोल सकते हैं एक तरह से दो ऐप को कॉन्कट करना, मतलब जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, टू ज्वाइन टू टेक्स्ट से कंप्यूटर एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे हमारा जो दो टेक्स्ट है कंप्यूटर एंड एजुकेशन, तो सिंपली टाइप इन एनी सेल इक्वल टू डबल कोट्स में कंप्यूटर डबल कोट्स क्लोज एंड डबल कोट्स एजुकेशन डबल कोट्स एंड हिट द इंटर की। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। यू विल सी द एक्सेल डिस्प्ले इट एज द कंप्यूटर एजुकेशन विदाउट गैप इन बिटवीन टू वर्ड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेट अस सी अ मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सपोज यू हैव सेल कंटेनिंग द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन एंड ए सेल कंटेनिंग अ लास्ट नेम ऑफ अ पर्सन। तो यू नीड टू ज्वाइन द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम टू फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट नेम, फिगर 2.4। फर्स्ट नेम ऑब्लिक लास्ट नेम एंड फुल नेम। द एंड ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइन टू टेक्स्ट कंटेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, नाउ द फर्स्ट नेम सेल A1, वट इज द सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेम A1, वट इज द सेल एड्रेस ऑफ लास्ट नेम B1, एंड वट इज द सेल एड्रेस ऑफ फुल नेम C1। सो वट इज द वैल्यू ऑफ A2 अमित एंड वट इज द वैल्यू ऑफ B2 मित्रा। क्लियर? सो नाउ इन अ सेल C2 यू नीड टू ज्वाइन A2 एंड B2। तो अलॉन्ग विथ अ गैप इन बिटवीन टू क्रिएट अ कंप्लीट नेम ऑफ सेल C2। टाइप द टेक्स्ट फार्मूला सेल C2 इन टू फॉलोइंग मैनर, इक्वल टू A2 एंड डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स एंड B2। क्लियर स्टूडेंट? तो नोट देयर इज द गैप बिटवीन द कोट्स, मीन्स क्रिएट अ फुल नेम। योर वर्क इट वुड हैव लुक्स सो इन अ फिगर 2.3 अमित स्पेस मित्रा। मतलब यहाँ पे स्पेस अगर मुझे देना होगा तो एक हमको ब्लैंक डबल कोट्स देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूमेरिक फार्मूलाज। अब ये नंबर्स के फार्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं। नाउ डैट यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट फार्मूला। आपने ये चीज़ तो आपने सीख लिया कि कैसे टेक्स्ट का फार्मूला देते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यूमेरिक फार्मूला। कैसे अब न्यूमेरिक का फार्मूला देते हैं इसके बारे में जानते हैं, आइए सीखते हैं। अ न्यूमेरिक फार्मूला इज कंसर्न विथ ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जो हमारा न्यूमेरिक फार्मूला होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, केवल मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए। टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू नीड टू अस टू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मीन्स जो उसका ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की। तो कुछ हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं, ऑलरेडी आपने पहले डिस्कस किया था, प्लस माइनस एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज साइन एंड कैरेट। मिस प्लस का मतलब एडिशन होता है, माइनस साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब डिवीजन, परसेंटेज का मतलब परसेंट निकालने के लिए, एंड कैरेट का एक्सपोनेंशियल। क्लियर? जिसको पावर बोलते हैं, मतलब 3 3 के पावर 2 इक्वल टू 9। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली टाइप इक्वल टू 5 + 6 इन अ सेल। किसी भी सेल में आप जो है 5 = 5 + 6 करेंगे तो आपके सामने इंटर बटन प्रेस करते ही आपके सामने आउटपुट क्या आएगा, 11। मीन्स हम पूरा जो मेरा एक्सेल शीट होता है, जो वर्कशीट होता है, ये पूरी तरह से एक तरह से कैलकुलेटर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है बेटा, तो कैलकुलेटर का। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल
would be a marksheet of a student where you need to have the subject along with the marks obtained. अब यहाँ पे देखा जाए तो एक मार्कशीट बना हुआ है, नेम और अमित मित्रा सब्जेक्ट मार्क्स, क्लियर स्टूडेंट। तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 55 सेकेंड मार्क्स, सेकेंड लैंग्वेज में 56, मैथ में 72, साइंस में 68, सोशल स्टडीज़ में 76। सो टोटल यहाँ पे अब हमको क्या करना है, जो हमारा टोटल का फार्मूला होगा किसने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। टू बी फाइंड द टोटल इन सेल B9, ये मेरा यहाँ पे जो आप सेल एड्रेस देख सकते हैं 9 है, और सेल कौन सा है मेरा, यहाँ पे कॉलम जो है B है, तो B9। टाइप द फार्मूला इक्वल टू B4 मतलब इंग्लिश का जो मार्क्स है, प्लस B5 सेकेंड लैंग्वेज का जो एड्रेस है, B6 प्लस B7 प्लस B8, एंड प्रेस द इंटर बटन, इट विल डिस्प्ले द 3 3 2 7 द टोटल मार्क्स ऑब्टेन फिगर 2.7। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट यू हैव लर्न, आपने अब इसको एडिशन करना मुझे लगता है कि आप लोग सीख चुके हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एंड लेट अस कैलकुलेट द परसेंटेज, कैसे परसेंट इसमें परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। तो एज्यूमिंग द दैट द फुल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी हमारे सब्जेक्ट का फुल मार्क्स है वो क्या है, 100 है, 100 में हमने इसको इवेल्युएट किया। तो लेट अस फाइंड द परसेंटेज ऑब्टेन, टू कैलकुलेट द परसेंटेज, टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय द स्टूडेंट यू वुड नीड टू यूज द फार्मूला परसेंटेज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन टू 100 अपॉन 500, क्योंकि यहाँ पे कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर। तो अगर एक सब्जेक्ट मेरा 100 मार्क्स का है तो 5 सब्जेक्ट कितने होंगे टोटल, 500। टोटल नंबर कितना ऑब्टेन किया था, 327, मतलब 327। तो 327 इंटू 100 अपॉन 500, तो 500 इज रिटन एज देयर द 5 सब्जेक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ द फुल मार्क्स एज 100 इन सेल B10। टाइप द फार्मूला इक्वल टू B9 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, क्लियर। तो वेयर B9 कंटेंट द टोटल मार्क्स मेंशन अर्लियर, आपको पता ही है कि B9 मेरा क्या कंटेंट कर रहा है, टोटल मार्क्स। योर वर्कशीट शुड लाइक दिस, आप एक वर्कशीट को ऐसे आप देख सकते हो। नोट द वाइल राइटिंग एंड एडिटिंग अ फार्मूला यू कैन यूज द फार्मूला बार, क्लियर। अगर आप डायरेक्टली अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो आप फार्मूला बार को एक्सेस कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जो हमारे सेल का जो है एड्रेस है। तो सेल क्या होता है, द इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम, दैट्स कॉल्ड द सेल। यू हैव ऑलरेडी सीन द सेल रेफरेंस रिफर्स टू अ सेल और सेल रेंज, रेंज ऑफ अ सेल ऑन अ वर्कशीट, आप देख सकते हैं। द सेल रेफरेंस कैन बी यूज इन अ फार्मूला सो दैट एक्सेल कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेटा दैट यू वॉन्ट टू दैट फार्मूला टू कैलकुलेट। मीन्स यहाँ पे हम सेल रेफरेंस के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सेल में वैल्यू या डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें फार्मूला लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन एक्सेल। एक्सेल में हमारे जो है कितने टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं, तो 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है मेरा, रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकेंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एंड थर्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इंटरेस्टिंगली द वे यू रिफर्स टू अ सेल डिटरमाइंस अ वे फार्मूला गेट कॉपी फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल। और ये ऐसा ही होता है, अगर हमने कोई फार्मूला एक सेल में लगा दिया तो दूसरे सेल में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस सेल रेफरेंस इन डिटेल, अब इस सेल रेफरेंस के सारे डिटेल्स को हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट है रिलेटिव सेल रेफरेंस। Relative cell reference are the one you had been using till now, the refers to a cell. ये हमारा क्या होता है कि जो relative cell reference है, ये हमारा directly जो है किसको refers करता है, cell को refers करता है। Means जो हमारा cell address है directly, जो हमने ऊपर आप लोग figure में आप देख सकते हैं 2.8 में, पहले आपका जो इतना column बना हुआ है, A, column B, column C, column D, column E, column F, clear? और रो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो नंबर्स के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रो को रिप्रेजेंट करता है।
क्लियर स्टूडेंट. तो दिस सेल रेफरेंसेस चेंज रिलेटिवली इट करेंट पोजिशन वेन बी कॉपीड फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल. फॉर एग्जाम्पल, लुक अ वर्कशीट 2.8 कंटेन द मार्क्स ऑफ सेवरल स्टूडेंट. यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑब्टेन ऑफ ईच स्टूडेंट्स. बिगनिंग विद द फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस कैलकुलेट द टोटल बाई राइटिंग द फार्मूला इन टू द सेल G3. G3 मीन्स जो हमारा G3 का फार्मूला है, तो उसमें हमने क्या फार्मूला लिया है, कैलकुलेट किया हुआ है G3 के लिए. क्लियर स्टूडेंट. तो G3 में हमने टोटल दिया है फार्मूला, आपका जो सेल एड्रेस है C3 इक्वल टू C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3. क्लियर स्टूडेंट. तो ये हमारा क्या है, G3 इक्वल टू C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3. ये हमारा फार्मूला, इस पर हमने कैलकुलेट किया है. इसको हम लोग डायरेक्टली इस टाइप के अगर फार्मूला हम अगर राइट डाउन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस. क्लियर स्टूडेंट. तो यू विल सी द फर्स्ट टोटल एज 248. तो इसका अगर जो मेरा टोटल आया है वो 248 आया है. नाउ कॉपी द सेल कंटेंट ऑफ G3 एंड पेस्ट इट इन ऑल द सेल फ्रॉम G4 टू G9. और सेम फार्मूला को हम पेस्ट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, G4 टू G9 तक. क्लियर स्टूडेंट. सॉरी, यू विल फाइंड द इंस्टेड ऑफ 248 बीइंग कॉपीड यू गेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन एंड ईच स्टूडेंट ऑफ फिगर 2.9. अब देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स है जो ऑलरेडी इसमें था, तो सेम पे सबने फार्मूला सेम अप्लाई हो गया है. तो दिस बिकॉज द एक्सेल ऑटोमेटिकली स्टार्ट द कॉपिंग द फार्मूला. एक्सेल में हमारा क्या होता है, अपने आप जो है फार्मूले को कॉपी कर लेता है. सेल रेफरेंस चेंजिंग द रिलेटिव करंट पोजिशन, सेल रेफरेंस हमारा क्या होता है, करंट पोजिशन उसका चेंज होता रहता है. द टोटल मार्क्स फार्मूला इन सेल G4 वुड बी C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4. सिमिलरली टोटल मार्क्स फार्मूला इन सेल G5. क्लियर स्टूडेंट. तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज द वी हैपन टू यूज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. इट एडजस्ट्स द चेंज टू द सेल रेफरेंस व्हेन कॉपीड. और ये एडजस्ट भी करता है और क्या करता है, सेल रेफरेंस को चेंज भी करता है और जब कॉपी भी कर देता है. रिलेटिव सेल रेफरेंस एज रिटन एज कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नंबर. रिलेटिव सेल रेफरेंस को हम कैसे राइट करते हैं, तो कॉलम नेम और देन आफ्टर रो नंबर्स. क्लियर स्टूडेंट. लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल A1, B5, C7 आर एग्जाम्पल द रिलेटिव सेल रेफरेंस. नाउ द नेक्स्ट पेज, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. एब्सोल्यूट स्टैंड फॉर जो, अब इसको एब्सोल्यूट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं सेल रेफरेंस इसका किसका पार्ट है ये, तो रेफरेंसेस के लिए है जो आप लोग यूज कर रहे हैं. देयर आर माइट टू बी सिचुएशन इन विच सेल रेफरेंस मस्ट रिमेन द सेम वेन कॉपीड. इन द सच सिचुएशन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज टू डॉलर साइन. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हम क्या यूज करते हैं, तो डॉलर साइन यूज करते हैं टू होल्ड अ कॉलम. मतलब एक कॉलम को पूरी तरह से क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, या और रो रेफरेंस कॉन्स्टेंट, या रो के जो रेफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट. तो दिस काइंड ऑफ सेल रेफरेंसिंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. मतलब या तो डॉलर साइन का एब्सोल्यूट मतलब किसी एक कॉलम को पर्टिकुलर होल्ड करो ताकि उसमें कोई चीज़ क्या हो, चेंज ना हो, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स्ड हो जाए, वो चेंज ना हो सके. क्लियर स्टूडेंट्स. तो फार्मूला क्या रहेगा मेरा, फॉर एग्जांपल व्हेन यू कैलकुलेट कमीशंस फॉर द सेल स्टाफ. कमीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, तो यू वुड नॉट वेंट टू सेल C2. अब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आप सेल C2 पे हमारा जो फार्मूला लगा है, चेंज द कॉपी द फार्मूला डाउन. इससे क्या होगा, अगर हम फार्मूला को चेंज नहीं करना चाहते हैं सेल, यू वुड नॉट वांट टू सेल C2 टू चेंज व्हेन कॉपी द फार्मूला डाउन. मतलब अगर हम चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यू वांट टू बोथ कॉलम एंड द रो इज रिमेन द सेम रिफर्स टू दैट एक्सट्रैक्ट सेल बाय यूजिंग $C$2. मतलब अगर C2 का जो हमारा ये C2 है इसकी वैल्यू को हम फार्मूला को कॉपी नीचे नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करेंगे. क्लियर. नो चेंज हैपेंड व्हेन कॉपीड 2.11.
क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फार्मूला मेरा क्या हुआ, B6 डॉलर C2 डॉलर 2 नॉट चेंज व्हेन फेल्ड, ये चेंज नहीं हुआ। और नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं टोटल सेल हुआ और 10% मेरा क्या है यहाँ पे उसका जो कमीशन लिया गया है, तो 10% हमेशा कमीशन इस पर अप्लाई किया गया और चेंज नहीं होते हुए भी हमारा क्या हो गया आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, अब मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव सेल एंड एब्सोल्यूट सेल, मतलब ये क्या होता है कि दोनों सेल रेफरेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, मिला हुआ होता है, दोनों को इट इज़ यूज कर सकते हैं। क्लियर। अ मिक्स सेल रेफरेंस इज आइदर एन एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो इज और एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम्स, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं इसमें, चाहे वो आपका एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो। क्लियर। तो व्हेन यू ऐड द डॉलर बिफोर द कॉलम लेटर, बिफोर द कॉलम लेटर यू क्रिएट एन एब्सोल्यूट कॉलम आर बिफोर द रो नंबर यू कैन यू क्रिएट एन एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ पे अगर हमको ऐड करना होगा तो ऐड करने से पहले हमको क्या लगाना है, कॉलम का कॉलम लेटर पहले डॉलर। क्लियर। एंड एब्सोल्यूट कॉलम आर बिफोर द रो नंबर, बिफोर द रो नंबर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पेज, फॉर एग्जाम्पल डॉलर ए वन इज एब्सोल्यूट, डॉलर ए वन इज एब्सोल्यूट फॉर कॉलम ए। क्लियर। डॉलर ए वन एंड रिलेटिव फॉर रो वन। क्लियर। मीन्स एंड ए डॉलर वन इज एब्सोल्यूट फॉर रो वन एंड रिलेटिव फॉर कॉलम ए। क्लियर। इफ अ कॉपी टू फील द फार्मूला अक्रॉस रो और डाउन कॉलम्स द रिलेटिव रेफरेंस एडजस्ट एंड द एब्सोल्यूट वंस डू नॉट एडजस्ट, अगर आप फार्मूला को क्रॉस आप रो और डाउन रो और कॉलम में जो है डाउन करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस द एडजस्ट रिलेटिव जो सेल रेफरेंस हो तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन एब्सोल्यूट डज नॉट मीन्स वंस डू नॉट एडजस्ट, वो अपना एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें क्या होता है इसमें जो फार्मूला एब्सोल्यूट में होता है वो क्या होता है फिक्स्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लुक एट द वर्कशीट 2.2.12, इट इज़ यूज टू शो द डिस्काउंट ऑफ मंथ ऑफ जैन फेब एंड मार्च डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट प्राइज एंड डिस्काउंट रेट। नाउ टू टाइप द फार्मूला डॉलर बी थ्री प्राइज क्या है यहाँ पे 1200 इंटू ए डॉलर, ए यहाँ पे एब्सोल्यूट है, ए डॉलर 12 मतलब यहाँ पे मेरा क्या है 12 डिस्काउंट, ए डॉलर 12 मतलब जो जैन का डिस्काउंट है वो कितना है 50%। क्लियर स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट, एज द प्राइस इज प्रोडक्ट टू स्टोर्ड इन कॉलम दैट फिक्स्ड टू फॉर द एवरी प्रोडक्ट, तो जो हमारा ये प्राइस है प्रोडक्ट का स्टोर किया गया इस कॉलम में वो एवरी प्रोडक्ट के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन वो किसके लिए रहेगा केवल जैन के लिए, तो जैन का जो आपका 50% है 1200 का वो कितना है 180। क्लियर स्टूडेंट। डिस्काउंट फॉर मंथ, नाउ द नेक्स्ट, डिस्काउंट रेट इज गिवन द रो ऑफ 12 थ्री मंथ्स टाइप्स इन गिवन फार्मूला इन सेल D3 एंड क्लिक द ड्रैग टू फिल अप द रिमेन सेल द रेस्टूडेंट शो रिजल्टेंट इन शो इन फिगर 2.13। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग फंक्शन, फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला डैट हेल्प परफॉर्म्स द कॉमन मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो फंक्शन हमारा क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है सेट ऑफ वैल्यूज नंबर्स एंड कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फंक्शन सेव यू द टाइम टू राइटिंग अ लेंथ लेंदी फार्मूलाज, ईच फंक्शन हैज स्पेसिफिक ऑर्डर्स कॉल्ड सिंटेक्स, तो एक फार्मूला लिखने का एक सिंटेक्स होता है जो एक स्पेसिफिक मैनर में लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंटेक्स बोलते हैं। तो विच मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड द फंक्शन टू वर्क करेक्टली, और इस टाइप के फार्मूला को हमको फंक्शन को क्या करना होता है स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है जिससे हमारा काम क्या हो करेक्ट हो। इट हैज़ द फॉलोइंग जनरल सिंटेक्स, फंक्शन नेम एंड देन आफ्टर आर्गूमेंट,
मतलब यहाँ पे अगर मुझे एडिशन करना है तो इक्वल साइन तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक्सेल शीट में हम क्या करते हैं, कोई फार्मूला लगाते हैं उसके पहले हमको इक्वल साइन लगाना है, इक्वल देन आफ्टर उसके बाद फंक्शन नेम और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर, इस जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर आर्गुमेंट लिखेंगे, और देन आफ्टर जो आपका जहाँ से जिस वैल्यू को जिस सेल से आपको सेल रेफरेंस देना है, A1:A7, मतलब यहाँ पर सेल रेंज का हमने जो है क्या दे दिया, वैल्यू एक्सप्लोड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? रूल्स टू क्रिएट अ फंक्शन। अब इसके फंक्शन क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं, ऑल फंक्शन बीइंग विद द इक्वल साइन, जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल साइन के साथ में होंगे। क्लियर है? आफ्टर द इक्वल साइन डिफाइन द फंक्शन नेम। इक्वल साइन के बाद हमको क्या उस पर डिफाइन करना है, तो फंक्शन नेम। लाइक फॉर एग्जाम्पल सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं। वन आर मोर आर्गूमेंट्स विच मे बी नंबर्स, टेक्स्ट और सेल रेफरेंस शुड बी इनक्लोज्ड बाय द पैरेंथेसिस। जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्लियर? लाइक वो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट होता है, सेल रेफरेंस भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इफ देयर इज मोर देन वन आर्गूमेंट, अगर एक से ज़्यादा आर्गूमेंट है तो सेपरेट ईच बाई द कॉमा, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल सम A1:A2:A7। क्लियर स्टूडेंट? नाउ यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज, यूजिंग सम कॉमन, यूज ऑफ कॉमन फंक्शन, रिफर टू फिगर 2.14, सेल 10 C10, इट फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विद इन द सेल रेंज C3 to C9। क्लियर स्टूडेंट? तो अब इसको हमको एडिशन करना है, टोटल अगर हमको करना है, एग्जाम्पल है तो सेल हमारा क्या है C10 सॉरी, तो इक्वल साइन फर्स्ट अप्लाई द इक्वल साइन एंड देन आफ्टर फार्मूला नेम जो आपका फंक्शन नेम है सम, फिर देन आफ्टर पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, और जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है जो सेल रेंज हमारा दिया हुआ है C3:C9, और इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा पता चल जाएगा, टोटल क्या हमारा आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? टू एडिट द फार्मूला यू मे क्लिक ऑन द सेल एंड चेंज द कंटेंट फ्रॉम द फार्मूला बार, और आप एडिट भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जाके फार्मूला बार पे इस कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज C3:C9, तो इससे हमारा एवरेज का रिजल्ट भी शो करेगा 60 पॉइंट इतना समथिंग, 5713। क्लियर स्टूडेंट? सम अदर कॉमन फंक्शंस एंड देयर यूज आर डिस्कस्ड बिलो। फंक्शन नेम, कुछ कॉमन फंक्शन दिए हुए हैं जिसका यूज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। फंक्शन नेम है मेरा सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स विद इन द पैरेंथेसिस, तो इससे क्या होता है हमको फाइंड सम फाइंड करना होता है जितने भी ब्रैकेट्स में हमने दिया है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सम 5:9:14। क्लियर स्टूडेंट? एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, दिया हुआ जितना भी नंबर्स है उसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, फंक्शन नेम को, एवरेज को 6:42, इसका एवरेज क्या होगा 4। प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स विद इन द, मतलब एक तरह से इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो प्रोडक्ट इक्वल साइन, यूजिंग इक्वल साइन प्रोडक्ट 6:4:2 गिव 48। मैक्स मीन सिमिलर टू दिस फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसको फाइंड आउट करना है, फिर मिनिमम नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसके लिए हम ये सारे फंक्शंस यूज करते हैं। यूजिंग फंक्शन विजार्ड, समटाइम्स इट हैपेंड दैट यू आर नॉट श्योर कि विच एक्सेल फंक्शन इज यूज, आर नॉट श्योर द सिंटेक्स नीडेड अ पर्टिकुलर फंक्शन। आप कभी कभी समटाइम ऐसा कभी कभी होता है कि आप श्योर नहीं होता कि एक्सेल फार्मूला ये क्या करेगा, ये फंक्शन किसका क्या यूज़ है, इसके बारे में इसका सिंटेक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होता है पर्टिकुलर फंक्शन में, तो यू कैन यूज़ फंक्शन विजार्ड टू इंसर्ट फंक्शन कमांड इन एक्सेल। तो डायरेक्टली हम फंक्शन विजार्ड पर जाते हैं और वहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं फंक्शन के लिए। टू इंसर्ट अ फंक्शन यूजिंग अ फंक्शन विजार्ड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। क्लियर? क्विक की कॉम्बिनेशन, एक यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ कॉम्बिनेशन Shift+F3 टू यूज द इंसर्ट फंक्शन। डायरेक्टली आप इस पर Shift+F3 बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन 3 बटन, तो इसको आप इंसर्ट फंक्शन में चले जाएंगे। क्लियर? तो क्लिक ऑन द सेल टू सेलेक्ट
वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है फार्मूलाज में. नाउ क्लिक क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन एंड फाउंड द फार्मूलाज टैब. यहाँ पे आप क्या, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फार्मूला टैब टैब के बारे में पता चलेगा और इससे हमको जो है फंक्शंस का क्लियर हो जाएगा. क्लियर. द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. सी द इंटायर लिस्ट ऑफ फंक्शन इन एक्सेल 2013. आप उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं. सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सिन. क्लियर हुआ. तो स्क्रॉल डाउन द लिस्ट एंड क्लिक द फंक्शन सेलेक्ट. यू कैन सी अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन बिलो. आप इसमें और भी सारे इसको क्या होते हैं, स्क्रॉल डाउन करके आप जितने भी फंक्शन इसके नीचे होंगे वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं. अगर आप सम पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सम नंबर वन कॉमा नंबर टू ऑलरेडी दिया हुआ है कैसे सम करेंगे, और देन आफ्टर ओके करते ही आपको आउटपुट ये शो कर देगा. इफ़ यू आर नॉट सो श्योर विच फंक्शन यू नीड, यू कैन यूज द सर्च फील्ड टू द टॉप ऑफ द डायलॉग बॉक्स. अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा फंक्शन यूज करना है तो आप उस पर टॉप बॉक्स पे सर्च भी कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. सर्च फॉर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑप्शन. क्लियर. टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन बेस्ड ऑन कीबोर्ड ऑन क्लिक द गो बटन. इन केस यू नीड टू यूज द फंक्शन दैट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड. अगर आप फंक्शन हो चुका है आपके बारे में पता चल चुका है, यूज कर चुके हैं, तो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट द मोस्ट रिसेंटली यूज. आप रिसेंटली कौन सा फंक्शन यूज किया उसको भी आप कैटेगरी में ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाके देख सकते हैं. और टर्न द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द फंक्शन रिसेंटली यूटिलाइज. उस फंक्शन को आप रिसेंटली यूज कर किए थे उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द कैटेगरी ड्रॉप डाउन बॉक्स टू सेलेक्ट अ कैटेगरी ऑफ फंक्शन. तो आप कैटेगरी ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका फंक्शन है. फॉर इंस्टेंस सेलेक्टिंग द स्टैटिकल फंक्शंस हो सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपके स्टैटिकल फंक्शन होंगे तो सिमिलर टू क्लिक ऑल कैटेगरी विल डिस्प्ले द फंक्शन अवेलेबल इन. तो अगर हम उस पर सिमिलरली अगर क्लिक कर देते हैं ऑल तो सारे जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमको क्या होंगे, शो करेंगे, दिखाई देंगे. देन आफ्टर सेलेक्ट द फंक्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. अब फिर उसके बाद फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इंसर्ट इनटू द सीट. आप अपने सीट पे डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस विल बी मेक द फंक्शन आर्गुमेंट्स डायलॉग बॉक्स. ये हमारा क्या होता है, फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स होता है जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं. टू अपीयर द डायलॉग बॉक्स गाइड थ्रू द आर्गुमेंट्स नीड फॉर द सेलेक्टेड फंक्शन. और हमको यहाँ पे नंबर्स में सेलेक्ट करना होता है जो सेल रेंज है हमारा A1 कॉलम A6. यहाँ पे हम सेल रेंज दे देते हैं और सेलेक्ट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट. ईच रिक्वायर्ड द आर्गुमेंट इंटर द अप्रोप्रिएट वैल्यू आर सेल रेफरेंस. मतलब कोई भी इसमें नंबर होगा तो आर्गुमेंट होगा तो क्या रिक्वायर करेगा, या तो सेल रेफरेंस लेगा या तो नंबर्स के लिए आर्गुमेंट करेगा या नंबर्स इंटर करेंगे. सेल रेफरेंस इन द रिस्पेक्टिव इनपुट बॉक्स. सेल रेफरेंस इन द रिस्पेक्टिव इनपुट बॉक्स. उसके जो भी नंबर फर्स्ट है और नंबर टू है उसमें आपको सेल रेफरेंस या तो वैल्यू इंसर्ट करना है. नोट दैट रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज लिस्टेड फर्स्ट एंड शो इन द बोल्ड टाइप. ये हमेशा जो लिस्ट हमारा यहाँ पे बना रहेगा आर्गुमेंट्स का जो रहेगा क्या रहेगा, बोल्ड टाइप, मतलब उस थोड़ा सा जो है बोल्ड रहेगा. डू नॉट सेम थिंग एनी ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट यू वॉन्ट टू यूटिलाइज. क्लियर. नाउ द क्लिक द ओके बटन अप्लाई योर न्यूली कॉन्फिगर्ड फंक्शन यू आर टारगेट सेल. और देन आफ्टर आप ओके बटन करके अप्लाई कर सकते हैं और उसको फंक्शन को कॉन्फिगर कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट होता हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो क्विक रिकैप में आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने PDF आपके कंटेंट पे मैंने अपलोड किया है. ठीक है स्टूडेंट. तो आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें और एक नोटबुक अपना कंप्लीट करके मुझे उसका आउटपुट शो करें. थैंक यू क्लास.